अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद जावेदुद्दीन शाह फारसी TV7 उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए नाजरीन देखते हैं आज की ये खास खबर। नाजरीन, खबर है असद बाबा नगर किशनबाग न्यूटन स्कूल के पास की। तेज हवा के साथ हुई बारिश की वजह से मूसा नदी के किनारे की रोड ढलकर गिर गई, जिसकी वजह से ट्रांसफार्म जंक्शन और घर भी ढलने का अंदेशा है। इसकी खबर एरिया कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम को होते ही मुकाम पर पहुँच कर वहाँ का जायज़ा लेते हुए बल्दिया के आला अहदेदार बरखी के आला अहदेदार को बुलवा कर वहाँ के तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और जल्द अज जल्द वहाँ का काम शुरू करने का मुतालबा किया। आइए नाजरीन देखते हैं हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर सैयद अकरम की ये तफसीली खबर। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी किशनबाग डिवीज़न में शाम 4 बजे भारी बारिश आने की वजह से अपोजिट अवेसी मार्केट से मूसी तक हमें बॉक्स ड्रेन लिए थे। लास्ट का बॉक्स ड्रेन का हिस्सा एक साल पहले लास्ट की बारिश में कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। उस डैमेज हिस्से को हमने सैंक्शन लिए थे, उसे करने के लिए एक ट्रांसफार्मर नष्ट है उसे शिफ्ट करने का था। यही इलेक्ट्रिकल को 12 तवज्जो दिलाई गई, वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट नहीं होने की वजह से आज बाजू घर की और बॉक्स ड्रेन की दीवार को डैमेज होकर क्लॉप्स हो गया थोड़ा बॉक्स ड्रेन, उसकी वजह से कुछ घर को क्रैक आया, नुकसान हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई जानी और मानी नुकसान नहीं हुआ। बर वक्त आकर यही साहब GHMC के लोग आकर उसे मायना किए हैं, मुझे इंश्योरेंस भी दिए हैं। इंशाल्लाह ये ट्रांसफार्मर कल शिफ्ट हो जाएगा। ये जैसा ही नाला डैमेज हुआ मुकामी लोगों ने आली जनाब अलहाज बैरिस्टर सऊद नवी साहब को तवज्जो दिलाए, मोहज़म खान साहब को साहब सदर साहब के कहने पर हम यहाँ आकर देखे हैं, ऑफिसरों के साथ मुआयना किए हैं। मेरे साथ मेरे जमाती रुफा सारे यहाँ के सदर मोहतमद्दीन सब आकर नाले को देख कर यही साहब को इलेक्ट्रिकल के और GHMC के यही रोहित साहब सुपरवाइजर मुनीर खादरी साहब सारे लोग आकर मुआयना करे हैं। आप मेरे को तयखुन दिए हैं यही हिसाब के कल से काम करके ये ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद नाले का काम सैंक्शन है, नाला बर वक्त नाले का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। शुक्रिया।